हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉलर कैसे अर्न करना होता है एंड आप कैसे डॉलर अर्न कर सकते हैं। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल साइट पे जाना है एंड टाइप सर्वे टाइम, एंड आई हैव ऑलरेडी राइट देयर, सो इट इज़ शोइंग ऑन द लिस्ट। सो यहाँ पे क्लिक करना है आपको सर्वे टाइम पे। आफ्टर क्लिकिंग यू कैन सी द फर्स्ट वेबसाइट सर्वे टाइम .io। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इस पर क्लिक करना है आफ्टर क्लिकिंग। ठीक है, क्लिक करेगा आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, एज यू कैन सी मैंने बहुत सारे, ज़्यादा तो नहीं, अभी स्टार्टिंग में ये अकाउंट बनाया है और इससे कम से कम मैंने $2 $3 कमा चुका हूँ मैं। ओके, और मुश्किल से मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी इसको अकाउंट बनाया हुआ। तो ये पेमेंट है। देन आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ये होता क्या है। बेसिकली सर्वे वो होते हैं, इसमें क्या होता है, कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ होते हैं, उनके बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिन पे ये काम करना चाहती हैं। यानी कि एक टाइप की स्टडी ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, रिसर्च करते हैं ये। जैसे कंपनी को किसी भी चीज़ में लॉस या कुछ इंक्रीमेंट या प्रमोशन कराना होता है तो वो कस्टमर के रिव्यू लेती है। तो ये जो सर्वे बेसिकली क्या होते हैं, उन्हीं के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपका काम सिर्फ इतना जाए कि आप इसको स्टार्ट करेंगे सर्वे को, देन उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लेना है, इसमें क्राइटेरिया लेना है। जैसे कंपनी चाहती कि 18 से 20 साल के लोगों का क्राइटेरिया चाह रही है, मेल चाहती है, फीमेल चाहती है, ऐसे बहुत सारी इनकी कैटेगरीज होती हैं। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसमें एंटर करना है, किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेरा थोड़ा फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने टाइम जोन दूसरा लगा हुआ है। एक इसमें टाइम जोन का बहुत ध्यान रखना होता है, टाइम जोन आपका इंडिया का ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया या किसी भी रिसेंट सिटी के रहने वाले, तो उसका टाइम जोन होना चाहिए। तो हमारे इंडिया का टाइम जोन यही है। ठीक है, आप अदर कंट्रीज़ में हैं तो अदर कंट्रीज़ के लिए अदर जो है यूज़ कर सकते हो टाइम जोन, जिस कंट्री में हो। ठीक है, तो यहाँ से टाइम जोन सेलेक्शन के बाद में अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं सर्वे के, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया सर्वे एंटर में हो गया। फिर अब मैं क्लिक करता हूँ, अब आप सी करिएगा। एज यू कैन सी इट्स अ क्विस्ट मिंड माइंड शेयर, क्विस्ट माइंड शेयर का ये सर्वे है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, कभी भी सर्वे में करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हमेशा फुल टाइम लेते हैं। ठीक है, एंड ये पूछ रहा है कि आप जॉब एप्लीकेशन साइट से अवेयर हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम कई सारी जॉब साइट्स होती हैं, जैसे लिंक्डइन हो गई, इंडीड हो गई, नौकरी डॉट कॉम हो गया, साइन हो गया, दीज आर ऑल जॉब पोर्टल्स। ठीक है, ये सारे जॉब पोर्टल्स हैं। अब क्या करना है आपको, व्हाट इज़ द समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 2020, यानी कि तुम आगे क्या देखना चाहते हो कुछ अच्छा। ठीक है, 2022 में क्या देखना चाहते हो आप, जॉब देखना चाहते हो तो यू कैन राइट आई वॉन्ट टू सी अ जॉब, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एट अ गुड पोजिशन, गुड पोजिशन। ठीक है, आप गुड पोजिशन पर जाओगे, देन इतना राइट करने के बाद आप कुछ भी ओपन एंड डाल सकते हो। एक टाइप से OH होते हैं, यानी कि ओपन एंड होते हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। देन यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ, अगर मेरा क्राइटेरिया इसे मैच करेगा देन वी विल डेफिनेटली गो इन टू द सर्वे, मेन सर्वे। ठीक है, तो अभी यस यू कैन सी ग्रेट यू क्वालिफाइड। सो मैं क्वालिफाई कर लिया, मैं सारी कंडीशंस क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए आगे कहाँ पे हमें मेन सर्वे में ले जाता है, ये लिखता है यू आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस सर्वे, रिसर्च सर्वे, और इट विल टेक अबाउट द 15 मिनट्स और कम्प्लीट। ठीक है, तो 15 मिनट नॉर्मली ये कम्प्लीट होने में लेगा। तो हमने जो लिया था, अब इसमें क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका सर्वे यहाँ तो एंड अप हो जाएगा या आप आगे बढ़ जाओगे। तो हम ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसा इसके बारे में स्पेसिफिकली नॉलेज नहीं होती कि हमें मेल लेना होता है या फीमेल लेना होता है, तो ये रेंडमनाइज होता है। ठीक है, अगर जिस पे चल जाता है तो उस पर चला लो। जैसे मैंने मेन मैन ले लिया, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, बॉर्न। ठीक है, आपका बॉर्न हुआ है ये ईयर, व्हाट इन व्हाट ईयर, यानी कि इसमें ईयर डालनी, ईयर कौन सी ईयर। ठीक है, तो ईयर मतलब साल पूछ रहा है कि 1988 जैसे मैंने डाल दी, देन अब मैंने इसको नेक्स्ट बढ़ा दिया। एज यू कैन सी अब मंथली पूछ रहा है, टोटल मंथली इनकम क्या है बिफोर टैक्स, मंथली इनकम क्या है बिफोर टैक्स। तो मंथली इनकम जैसे मान लो मैंने ले ली, मंथली मेरी 20 39, मतलब एज यू कैन अपने अकॉर्डिंग टू ले सकते हो आप जो भी आपकी इनकम हो, तो 40 69, तो अप्रॉक्स 40 तो लेते ही लेते हैं। ठीक है, 40 नहीं तो 20 ले लो, इंडिया के हिसाब से कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। देन अब पूछ रहा है हाउस होल्ड एजुकेशन लेवल पूछ रहा है, एजुकेशन लेवल में आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीधे यहाँ तो प्रोफेशनल लो या जनरल ले लो। ठीक है, जैसे तो मैंने यहाँ पे जनरल लिया। ठीक है, फिर जनरल पे बाद में फिर आगे आ जाओ। ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डू यू हैव इन योर होम, अब घर पे कौन कौन से आइटम हैं, जो जो है सेलेक्ट कर दो, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, एकदम नेक्स्ट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वट इज़ द करंट एम्प्लॉयमेंट, वैसे ही जब मैंने बताया था स्टार्टिंग होता है तो हमेशा फुल टाइम लेना होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ा दिया, नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैं आगे बढ़ गया हूँ। अब ये कुछ पूछ रहा है, प्लीज़ इंडिकेट योर फैमिली फैमिली ट्री एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स एंड ऐप। ठीक है, तो अब इंडीड के बारे में कुछ पता हो, नेवर हर्ड किया है तुमने, या कुछ फैमिलियर हो। ठीक है,
तो इसमें आप क्या कर सकते हो यूज इन अ पॉजिटिव, जैसे आप नेवर तो नहीं देखे यहाँ पे हमेशा ये पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हमेशा हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्ड देने हैं। जैसे इसमें पॉजिटिव में आ जाएगा नेवर हर्ट कर देंगे, नेगेटिव में आ जाएगा पॉजिटिव में, यानी कि हम पहले इसको यूज करते हैं। ट्विटर 6 मंथ 6 मंथ, लिंकडिन 5 मंथ में यूज़ किया, फेसबुक भी यूज़ किया हमने, वीवो फैमिलियर हैं बट नेवर यूज़ किया, व्हाट्सअप यूज़ किया, इंस्टाग्राम भी यूज़ किया है, पिंटरेस्ट भी यूज़ किया है, स्नैपचैट भी यूज़ किया है, वर्ब मैसेंजर है ये आप फैमिलियर नॉट फैमिलियर करते हो, यूट्यूब ऑब्वियसली ये तो है ही मेन, टिकटॉक फैमिलियर हो बट टिकटॉक नेवर यूज़ किया है, ग्लास डोर ले लो ये भी यूज़ किया है। ठीक है, देन अब इन सिलेक्शन के बाद में आगे बढ़ा देता हूँ। एंड मुझे 3 नंबर सेलेक्ट करना है क्वालिटी कंट्रोल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो मैंने 3 नंबर सेलेक्ट कर दिया, देखो अब मैं आगे बढ़ गया नहीं बढ़ गया। फिर आगे आ रहा है हाउ मच डू यू एग्री एंड डिसएग्री फॉलो स्टेटमेंट, तो मैं सिंपल सा एग्री लेता हूँ इसमें। ठीक है, ट्रस्टवर्डी यानी कि मुझे पॉजिटिव रखना है तो सिंपल सा क्या करूँगा आगे, लेकिन हाँ प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना क्वालिटी कंट्रोल पर्पज़ के लिए कभी भी क्वेश्चन कहीं पर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, सो अब देखिए वी वुड नेक्स्ट लाइक टू आस्क यू द फ्यू क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस विद द फॉलोइंग ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है पूछेगा, जैसे फॉर इंडीड है डेफिनेटली एग्री कर दो, ठीक है, ट्विटर है डेफिनेटली एग्री कर दो, लिंकडिन है, ठीक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, पिंटरेस्ट हो गया, ये जितने भी दिखा रहे हैं ये सारे जो है ब्रांड्स आप जानते हो। ठीक है, तो सम बार्ट एग्री डेफिनेटली एग्री, इसी में से आपको क्या करना है सेलेक्शन लेना है। देन अब आ जाओ क्वेश्चन, अगर पूछ रहा हाउ मच डू यू एग्री डिसएग्री विद हाउ वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब लिंकडिन, यानी इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लिंकडिन को डिस्क्राइब करते हैं। तो सिंपल सा मैंने बोला था एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, डिसएग्री तो लेना ही नहीं है, एग्री सम वॉट एग्री इन दोनों में से ही लेना है। यू मस्ट हैव टू टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन दिस। ठीक है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, देखिए अब आगे बढ़ गए। ठीक है, सम वॉच डिसएग्री एग्री, सेम वही स्टेटमेंट आ रहे हैं बार बार, आप आगे बढ़ाते जाइए आगे बढ़ाते जाइए। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे $1 मेरे अकाउंट में आएगा। ठीक है, पहले ये सर्वे कंप्लीट कर दूँ, देन आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आगे आएगा। मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा लेंथ, देखो सर्वे कई तरह के होते हैं, सर्वे आपका 15 मिनट का भी होगा, 10 मिनट का भी होगा, कभी कभी 25 मिनट का भी होगा, कोई कोई 30 मिनट का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो किस तरह की स्टडी आपको दे रही है। ठीक है, तो ये जो है ये जब फिनिशअप हो जाएगा, ठीक है, फिनिशअप होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो है इसका कैसे रिवॉर्ड लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर दूँ, थोड़ा वीडियो मैं थोड़ा पॉज करता हूँ ताकि, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगा इस वजह से। फ्रेंड्स यू कैन सी आई हैव कंप्लीटेड द सर्वे, जस्ट इट्स अ लॉस्ट क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन पर्पस होता है। ठीक है, हमेशा सर्वे के एंड में ये क्लासिफिकेशन पर्पस आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन आप पूछ रहा है विच ऑफ द डिस्क्राइब करंट मोस्ट रोल। ठीक है, रोल आप कोई सा भी ले सकते हो, आप सैलरीड हो तो मैनेजर हो सकते हो या सीनियर मैनेजर हो सकते हो। ठीक है, फुल टाइम हमेशा यही होता है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक कर दिया, देन हाउ वुड यू क्लासीफाई योर करंट जॉब रिसर्च सर्च स्टेटस। ठीक है, तो एक्टिवली लुकिंग कर दो, देन आप पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ योर, तो साइज सिंपल सा 250 250, विच ऑफ द मोस्ट सिस्टम डिस्क्राइब। ठीक है, मैनी प्रोफेशनल ले लो, करंटली प्रीवियस वर्क इन द मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये ले लो, कोई सा ले सकते हो। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है, ये क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। तो अब इसमें ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, जैसे ये सर्वे किससे रिलेटेड है, ये एचआर रिक्रूटिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो एचआर ले सकते हो आप। देन पिछला इंडस्ट्री वर्क, आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो। ठीक है, तो आप ले लो ज़्यादातर कोई से भी ले सकते हो, प्रोफेशनल रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग में ले लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियसली यू इंडिकेट यू हैव यूज्ड द सोशल प्लेटफॉर्म इन द 30 डेज। ठीक है, एंड द पास्ट इंडीड आपने कब यूज़ किया, ठीक है, लिंकडिन आपने कब यूज़ किया, ये कब यूज़ किया, ये कब यूज़ किया। ठीक है, और बस नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है डेली, तो डेली ले लीजिए, वन वीक ले लीजिए, डेली ले लीजिए, वन वीक ले लीजिए, डेली वन वीक डेली। ठीक है, देन नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आ रहा है कि आप पॉसिबली वेबसाइट एंड ऐप सोशल प्लेटफॉर्म आप कितनी बार यूज़ करते हो, तो साल में 2 से 3 बार ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन अब आ रहा है यस करंटली आई ओंट, एक्चुअली ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, वैसे इतने लंबे सर्वे होते नहीं है माय फ्रेंड्स, बट कोई नहीं, इसको करना ज़रूरी है, अगर आप इसको करेंगे नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है व्हाट वी वुड नेक्स्ट लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन फ्यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर ओपिनियन, तो नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, तो थोड़े से ओपिनियन और आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। ठीक है, स्टार्ट अप टू डेट माई कनेक्शंस क्लिक करिएगा, एक्सट्रीमली सेटिस्फाई ले लीजिएगा। ठीक है, ये ले लो, एंड सम वॉट सम वॉट सम वॉट एग्री डिसएग्री। पूरे सर्वे में आपको सिर्फ यही करना है, एग्री डिसएग्री आते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ आती हैं, तो उनमें ज़रूरी नहीं कि यही आपको मिले। ठीक है, कुछ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिनमें डेफिनेटली उनका रिव्यू ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर रिव्यू वाले सर्वे जितने होते हैं कंज्यूमर सर्वे, तो वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्या है, अपना रिव्यू लेते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे एचआर का था, जिसमें क्या था, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि आप लिंकडिन या जॉब, जैसे एज अ हम जॉब सीकर तो हम क्या करना चाहते हैं।
अब आ गया ना, दिस कंक्लूड सर्वे, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेंट। अभी हमको सीधे क्या ले जाएगा, हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा। एंड यू कैन सी, अब इस पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो हम एक्सपीरियंस ये कर देते हैं, देन सबमिट। ठीक है, अब मैंने सबमिट कर दिया। बोला है कि आप पेमेंट किस मोड में पड़ेगा, आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब आप उसका पेमेंट ले सकते हो। लेकिन फ्लिपकार्ट या बिट कॉइन बेस्ट, वैसे इसमें मैंने लिया नहीं है, बट फ्लिपकार्ट में लिया तो फ्लिपकार्ट में आपको टैंगो कार्ड मिलेगा, वो सीधे आपका मेल पे आएगा। ठीक है, और पेपाल का क्या है, ये मेल भी आएगा आपके पास में। ठीक है, अगर आपका वेरीफाइड अकाउंट होगा तो सीधे आपके अकाउंट में $1 शो होगा, और जो आपके जो आपका अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट यानी जो बैंक अकाउंट आपने ऐड कर रखा है, सीधे उसमें उसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पेमेंट पेपाल का कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं दो तीन जो चीज़ें हैं वो पेपाल से ही ले चुका हूँ, दो दो पेमेंट मैं पेपाल से ले चुका हूँ, तो ये मेरा तीसरा पेमेंट है पेपाल से लेने का। ठीक है, देन मैंने कन्फर्म पेमेंट मेथड पर करिएगा, एंड हो गया। ठीक है, यू डिड इट। ठीक है, एंड कन्फर्म ईमेल यू आर सेंड इन योर बॉक्स, फॉलो इंस्ट्रक्शन इनसाइड, कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है, सो एज़ यू कैन सी मैंने ये ले लिया है। आफ्टर कंप्लीटिंग आपको 0.5 यानी कि $0.5 के मतलब आपको 25 या फिर उसके हाफ जो है, $1 का हाफ जो होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो ये आपको पूरा पेमेंट देगा ₹75 का, $1। ओके, मैंने क्या किया, ये पहले पेमेंट पा चुका हूँ, 5/8 को ये मेरे अकाउंट में आ चुका है। ठीक है, एंड देन ये तीसरा, ये देखिए अभी प्रोसेसिंग में है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो सीधे क्या आएगा, मेरे उसमें दिखाएगा। मैं आपको अपना पेपाल अकाउंट लॉग इन करके दिखाता हूँ, पेपाल। ठीक है, मैंने पेपाल अकाउंट अपना वेरीफाई, नाउ यू कैन सी, ये देखिए मैंने अभी पेमेंट किया और अभी मेरे वॉलेट में पैसे आ गए। और मैं ट्रांजेक्शन आपको पहले मनी इनसाइट का दिखा देता हूँ कि मैंने मेरे अकाउंट में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं अभी तक। ठीक है, इन द पास्ट यू कैन सी, ये देखिए, ये देखिए, ये $1 आया था मेरे में, ये आया, अब $1 और आ चुका है। ठीक है, अभी मेरे में कोई भी डॉलर नहीं था क्योंकि मेरे जो $2 थे वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रांजेक्शन शो करके दिखाता हूँ, व्यू माई ट्रांज। ऑनलाइन अर्निंग इसमें डेली कम से कम, अब जैसे हाफ एंड जैसे ये दिखा रहा है, एज यू कैन सी कि इट्स लुक अदर यूजर्स ओनली 10 मिनट्स कम्प्लीट, तो आप आधा पेमेंट भी इसमें ले सकते हो अगर आप कंप्लीट कर पाओ तो। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही, ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए अर्निंग के लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा।